हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो एवरीवन, वॉइस वगैरह पीपीटी वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ फटाफट। आज क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया बेटा। भाई फटाफट आओ, क्या बात है, क्यों लेट कर रहे हो? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई फटाफट, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। अच्छा, कोई बात नहीं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और भी स्टूडेंट्स नहीं आए अभी, काफी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, वेट कर लेते हैं। और तैयारी सही चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं से? कोई आ रही हो तो भाई बता देना, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अपना बता देना, जिसका जो भी इशू हो। ये नहीं कि नहीं मैम नहीं ये वो, फिर बाद में बोलो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आज हम? मॉडर्न थ्योरी। हमने पढ़ी थी कल क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, जो रिकार्डो ने दी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, जो कि किसने दी थी? जे एस मिल ने। क्या बात है, आज तो बड़े कम बच्चे आ रहे हैं। अभी अब तो बच्चे 3 स्टूडेंट्स हैं उन्हें। स्टार्ट कर देती हूँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर अटेंडेंस लेंगे बाद में, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर 2 फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फिल अप फॉर्म। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी, या हमारे फिल अप फॉर्म के सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए सारे चैनल्स को, जिससे कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको आराम से मिल पाएगी, है ना। कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, आपके किसी फॉर्म से रिलेटेड। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों देखने को मिल रहा है आपको। नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्म ऐप। कहाँ मिल रहे हैं आपको? फिल अप फॉर्म पे मिल रहा है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे अपने आप अगर आशीष 10 कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज। ओके, आपको 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता ऐप पे आपकी क्लासेज होती है 8 बजे मंडे टू सैटरडे, एट 10 to 11 PM भी आपकी क्लास होती है सेम ऐप, ठीक है। यूट्यूब पे अभी आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, ठीक है, अभी ये कुछ टाइम के लिए पॉज है, फिर अगेन स्टार्ट होंगी, रीस्टार्ट होंगी, ठीक है। एंड संडे को भी हमारी क्लास हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे आपको पता है और एप्स पे जैसे आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर पे जाके, ऐसे ही आपको फिल अप फॉर्म का ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर आपको आसानी से आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वेबसाइट है, ऑनली कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
So move forward to with our motivation. Nothing is particularly hard if you break it down into small job. समझ गए? कुछ भी एक पर्टिकुलरली हार्ड नहीं होती. कोई भी चीज होती है हम उसको समझ लेते हैं बहुत हार्ड है. अगर हम उसे ब्रेक करेंगे ना तो उसकी छोटी छोटी चीजों से हम सीख पाएंगे आगे, है ना. हम छोटी छोटी जॉब्स करके छोटे छोटे काम करके उसको आगे बढ़ा कर सकते हैं. कोई भी चीज हमारा पर्टिकुलरली हार्ड नहीं होता. कोई भी चीज आप सोचो कि वो पर्टिकुलरली हार्ड है, कोई भी काम आप कर रहे हो आपको लगता है कि ये हार्ड है, भाई यही काम हार्ड है. सारे काम हार्ड होते हैं भाई, छोटी छोटी जॉब्स में उनको कन्वर्ट करते हैं लोग, छोटे छोटे काम भी, तो उसको पूरी तरीके से पूरा करते हैं. तो इसलिए कहते हैं ना, लोग देख कर घबरा जाते हैं, अरे ये तो बड़ा टफ काम है. नहीं, उसके छोटे छोटे तरीकों में करो ना. अगर नहीं आ रहा तो उसके बहुत सारे तरीके हैं. हर काम को करने का एक अलग अलग नजरिया होता है. ऐसे ही JRF बच्चे क्रैक करते हैं, कुछ 1 अवर टाइम में भी निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे 6-7 अटैम में निकालते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी होता है, मेन होता है उनका स्ट्रेटेजी. अगर उनका स्ट्रेटेजी अच्छा है और कंसिस्टेंसी है, मतलब समझ रहे हो, काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार चीज़ों को करते रहना चाहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नेट भी ना हो. बच्चों का तो नेट भी नहीं होता. उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उनका उनको पता ही नहीं होता हम कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड उन्हें नहीं पता होता. So, एक अच्छी सी स्माइल कर दीजिए, फिर अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं. फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे हम आज बढ़िया से करके, ठीक है. अरे वाह, सब बच्चे आ गए फटाफट. रवेन, अनुराधा, आफरीन, कृष्णा परमार, वेरी गुड. चलिए अटेंडेंस लेते हैं. हाँ जी, आज 10 बजे क्लास होगी. 10 बजे नहीं, 10:15 पे होगी, ठीक है. प्रॉपर 10 बजे नहीं होगी, 10:15 के अराउंड होगी, ठीक है. अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं आप लोगों की. आफरीन, कृष्णा, अनुराधा, ललिता, लोमन, रविंद्र, वीरेंद्र. वीरेंद्र, आपको सब समझ में आ रहा है? कोई हिंदी के नोट्स में या किसी भी चीज में आपको कोई परेशानी हो रही हो तो बता सकते हो. यही बताना है जिसको जो प्रॉब्लम हो, कहीं और जाके नहीं बताना है, ठीक है. जिसको जो प्रॉब्लम है यहाँ आओ, सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है. समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा. कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ यहाँ आके कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा. वंदना जी आज नहीं आए हैं, प्लीज. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट. हमने अटेंडेंस ले ली अपनी, ठीक है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. हम किसकी बात कर रहे हैं? लगान का सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, ठीक है. लगान का आधुनिक सिद्धांत, लगान का आधुनिक सिद्धांत. मॉडर्न मीन्स आधुनिक, पता है ना, आधुनिक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. मॉडर्न थ्योरी ऑफ, हमने पढ़ लिया उसमें क्या कहते हैं आपका रेंट, कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट क्या है. अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर कैसे रेंट को समझेंगे. क्लासिकल लोगों ने तो समझा दिया अपने तरीके से भाई, कि भाई हम इसको ऐसे समझाएंगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, रेंट इन द सेंस ऑफ सरप्लस अराइजेस व्हेन द सप्लाई ऑफ लैंड इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक. जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक क्यों होता है, इन इलास्टिक क्यों होता है और लेस देन, ये तीन कंडीशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है. समझ में आ गया?
कि कैसे आप समझते हैं कि आपको मॉडर्न थ्योरी में रेंट किस तरीके से आपको बताता है कि मॉडर्न आजकल रेंट का जो है वो कैसे आ रहा है। तो इसके जो तीन पॉइंट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज जो कि मैंने आगे हिंदी में लिखी है, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख लो मॉडर्न थ्योरी, लगान का आधुनिक सिद्धांत, यह सब पहली बार जे एस द्वारा चर्चा किया गया था। मतलब ये किससे दिया था, सबसे पहले जे एस मिलर, सबसे पहले किससे दिया था, जे एस मिलर, दैट डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आया जेवोन्स, पेरोटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, विकसित किया इन्हें। सबसे पहले किससे दिया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जे एस मिलर ने सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन। फिर उसके बाद किसने दिया था, जेवोन्स, पेरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो सेकेंडली आप फिर देखते हैं इसके अंदर, जैसे अब इसमें पूछ रहा है द किराए के आधुनिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रमुख क्या विशेषताएं हैं इसकी। आप जैसे देख सकते हैं किराया उत्पादन के सभी कारकों की आय का एक हिस्सा होता है, ठीक है। आर्थिक किराया एक अधिशेष है जो अकेले भूमि के अजीब नहीं है, ये श्रम पूंजी उद्यमी के आय का भी हिस्सा हो सकता है। अच्छा, हमने रेंट थ्योरी में क्या पढ़ाया था, मैंने क्या हाईलाइट किया था कि रेंट थ्योरी ये बताती है और मॉडर्न थ्योरी ये बताती है। मैंने हाईलाइट किया था ना, कल ही पढ़ाया था ना, बताओ क्या बताया था मैंने कि रेंट थ्योरी क्या है, रेंट का मतलब क्या है। एनीवन, क्या बताया था मैंने, वाह वेरी गुड, आफ्टर मैरिज के बाद हुआ है, वेरी गुड, वेरी गुड, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, गॉड ब्लेस यू हर, बहुत बड़ी बात है ये तो, शादी के बाद। बेटा रिकार्डो ने नहीं दिया था, जे एस मिल ने दिया था, उस सबसे पहले दिया था, देन उसके बाद ये वाले इकोनॉमिस्ट आएंगे आपके। लगान क्या, मैं समझी नहीं, मैंने रेंट थ्योरी में क्या बताया था, सबसे पहले जे एस मिलर, मैंने रेंट थ्योरी में क्या बताया था आपको, रेंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में डिफरेंस क्या है। मॉडर्न थ्योरी का तो अभी आपको नहीं पता, ठीक है, बट आपको उसका तो पता है ना, रेंट थ्योरी का। तो रेंट थ्योरी में क्या बताया था मैंने, गुड, वेरी गुड इवनिंग अनुराधा, आंसर बताओ अनुराधा, कल की क्लास में थे, अगर समझ आया है तो बताओ, रेंट में क्या समझाया था मैंने, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट थी जो रिकार्डो की थी। बेटा रिकार्डो ने क्लासिकल वाली दी है, ये आफरीन ने जो लिखा मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न तो उसने दिया, जेएस मिल ने दिया है, उसके बाद फिर बात आपका पेरेटो आपके जॉन रॉबिन्सन वगैरह ने दिए हैं, ठीक है, वो क्लासिकल था, इसमें मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे वो आ रहे हैं इसके अंदर। लैंड से रेंट मिलता है, ओके, ठीक है, और कोई, एनीवन, एनीवन, आफरीन यो, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आपकी रियल सिस्टर है या मतलब कजन वगैरह है। सबसे पहले बेटा जे एस मिल ने दिया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट वाली, ठीक है, क्लासिकल वाली बताई दिया, रिकार्डियन थ्योरी है वो, तो थ्योरी ऑफ रेंट रिकार्डियन की थ्योरी है। हाँ, नहीं 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 नो 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 नो, मॉडर्न मीन्स ये नहीं था, मॉडर्न में ये था, देखो समझो, रेंट में हमने पढ़ा था रेंट वाली थ्योरी में कि कैसे हम एक ही फिक्स्ड था ना, वहां पे हमारा क्या था, फिक्स फैक्टर था, क्या था हमारा, लैंड, लैंड पे आप कितना कर रहे हो वर्क, उस अकॉर्डिंग हमने रेंट पे पढ़ा कि हमें उस पे कितना लगान मिल रहा है हमें, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं मॉडर्न वाले, मॉडर्न वाले में क्या बताया था मैंने आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों से आपको इसमें मिलेगा, इसमें चारों चीजें इंक्लूड हो जाती है, चारों चीजों से फर्क पड़ेगा, उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर की बात की गई थी जो कि उसमें फिक्स था, क्या था उसमें, फिक्स्ड था। अब जैसे आप आगे समझेंगे,
इसके अंदर क्या बताया, इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस दैट इज नॉट पर्टिकुलरली टू लैंड अलोन. यहाँ पे अकेले लैंड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सब सब की बात करी हुई है कि लेबर की क्या इनकम होती है, कैपिटल में क्या प्रॉफिट वो ले रहा है, और एंटरप्रेन्योर क्या वो कर रहा है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सॉरी, कैपिटल कितना इंटरेस्ट आपको दे रहा है, एंटरप्रेन्योर कितना आपको प्रॉफिट दे रहा है, और लेबर कितनी वेजेस दे रहे हैं, तो ये भी इंक्लूड होता है. किसमें इंक्लूड होता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में. ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रांसफर अर्निंग. आपकी ट्रांसफर अर्निंग में क्या आता है? कोई विशेष इकाई, जैसे मान लो सर्वोत्तम भुगतान वाले वैकल्पिक उपयोग में जितना पैसा कमा सकते हो, उसे कभी कभी उसके हस्तांतरण आय कहा जाता है. मीन्स जैसे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो ए एंड बी. अब ए क्या कर रहा है? कहीं जॉब कर रहा है. ए क्या कर रहा है? कहीं जॉब कर रहा है. उसको 20,000 वहाँ सैलरी मिल रही है. अब बी क्या कर रहा है? वही जॉब वहाँ कर रहा है, तो उसको 18,000 मिल रही है. तो वो किसको चूज करेगा? इसको करेगा ना, ए वाले को. बी वाले को थोड़ी ना करेगा. तो ये क्या कहला रहा है? ये है आपकी ट्रांसफर अर्निंग. ये आपकी किसी के द्वारा आ रही है आपके पास, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? कहाँ चला जाता है? ट्रांसफर अर्निंग. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि हस्तांतरण आय, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आय को, कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट एनी पर्टिकुलर यूनिट कुड अर्न इट इज बेस्ट पे. मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव है आपके पास, समझ रहे हो? मेरे पास दो अल्टरनेटिव थे इसके, ए एंड बी. ए में मुझे मिल रहे हैं 20,000 और बी में मुझे कितना मिल रहा है? 18,000. तो मैं किसको चूज करूंगी? ऑफ कोर्स मैं हस्तांतरण आय जो है मेरी ए है, मैं उसी को चूज करूंगी. तो अल्टरनेटिव है मेरे पास, मतलब विकल्प है मेरे पास, है ना, वैकल्पिक उपयोग. इसका मैंने क्या किया? वैकल्पिक उपयोग किया. तो यूज इन सम टाइम कॉल इट्स ट्रांसफर. जैसे मैं वैकल्पिक इसका प्रयोग कर रही हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? सम टाइम ट्रांसफर पेमेंट. कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है, जैसे इसको आप वो भी बोल सकते हो, अरे देखना जवान पे नाम है और कहते ना वो आ नहीं रहा, एक सेकेंड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस, इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी. यार इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ये बड़ा पंगा हो जाता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ किसे बोलते हैं? एक अवसर लागत. यस 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 यस, अवसर लागत. अब जैसे इसमें अवसर हो गया, इसमें क्या हो गया? इतना पाने के लिए गिव अप करते हैं ना. अरे पेन कहाँ चला जाता है? ये रहा. क्या करा जाता है? कितना आप गेन कर रहे हो, गेन अप और गिव अप. कितना गिव अप कर रहे हो, कितना पाने के लिए कितना गिव अप कर रहे हो. तो ये कहाँ बता देता है? यहाँ पे बता देता है. कहाँ पे? ट्रांसफर में. ट्रांसफर अर्निंग इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको क्या बोल सकते हो आप? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो. अच्छा, अब इसमें आता है व्हाई रेंट अराइजेस. रेंट क्यों अराइज होता है? सो मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, रेंट अराइज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लैंड. ठीक है, रेंट क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास रेंट क्या, सॉरी, भूमि की क्या हो जाती है? हमारे पास एक तरीके से कमी आ जाती है, स्कार्स हो जाती है लैंड की. हमारे पास कमी होती है. आपको बताया था मैंने, जब फिक्स लैंड की बात करी थी, तो उसमें आप लैंड बढ़ा नहीं सकते. मैंने आपको बताया था, आप उसमें ये चाहो कि मैं लैंड को बढ़ा लूँ या खरीद लूँ, तो उसमें इतना आपके पास टाइम नहीं होता. ड्यू टू वन ईयर के अंदर, लेस देन वन ईयर के अंदर आपका शॉर्ट पीरियड चल रहा होता है, और जब वन ईयर से ऊपर जाते हो, तो आपका वो टच क्या चल रहा होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड चल रहा होता है, लॉन्ग रन चल रहा होता है. शॉर्ट रन की बात होती है वन ईयर, लेस देन वन ईयर, मतलब एक साल से कम आपका टाइम पीरियड होता है शॉर्ट रन के अंदर. तो वो क्या बताते हैं कि जो लैंड होता है, फिर वो फिक्स्ड होता है. आप सोचो, आप कहीं लैंड लेने आप जाओगे, आपको टाइम भी तो लगेगा, फिर लैंड सही है, उपजाऊ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे जितना आपको मिल रहा है वो सप्लाई उतना ही मिलेगा, वो बढ़ेगा नहीं उतनी लैंड से. तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे लैंड की मेरे पास कमी है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? मॉडर्न थ्योरी में आप तीनों चीजों को और इंक्लूड कर रहे हो, तो कैसे? श्रम, पूंजी आदि अन्य कारकों से भी आप इनको क्या कर सकते हो? रिलेशन कर सकते हो, इसकी डिमांड कर सकते हो. तो आल्सो कॉन स्केयर्स इन देयर फॉर इनकम एंड बाय दीज फैक्टर्स देयर मिनिमम इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट. तो क्या बोल रहे हैं इसको? कि हम इन सब चीजों से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब से हम रेंट जो ले रहे हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? अर्जित आय. क्या कहा जाता है? अर्जित आय को आर्थिक किराया कहा जाता है. ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना कि पूछे आपसे व्हाई रेंट अराइजेस, रेंट क्यों बढ़ रहा है भाई? क्यों? क्योंकि मैं भूमि के कारण, भूमि की कमी के कारण. ठीक है, भूमि की कमी के कारण किराया उत्पन्न होता है. ठीक है,
हमारे पास वेंट, वाई रेंट अराइजेस, क्यों बढ़ रहा है। अब इसमें आगे स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक, अब इसमें बात कर रहे हैं विशिष्ट कारक की। अब दीज फैक्टर्स रेफर टू दोज फैक्टर्स दैट हैव ओनली वन यूज, फॉर एग्जाम्पल अ फार्म यूज फॉर ग्रोइंग वीट अलोन, सच फैक्टर्स हैव नो मोबिलिटी। आप समझ पा रहे हो, स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ले लो या अपना ले लो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको इकोनॉमिक्स ही अच्छे से आएगी ना। आप ये तो नहीं आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाओगे या पढ़ाने बैठ जाओगे, नहीं ना। किस में आप स्पेसिफिक हो, किस में विशिष्ट हो, इकोनॉमिक। ऐसे ये बोल रहा है अगर एक लैंड है उसमें अगर वीट की खेती होती है तो भाई वीट की ही खेती होगी, उसमें आप मक्के की सबकी खेती नहीं करने लग जाओगे, उसमें किसकी खेती करोगे, सिर्फ आप गेहूं उगाने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। वो किसके लिए यूज करी जा रही है, गेहूं उगाने के लिए। तो वो लैंड जो है वो गेहूं उगाने के लिए काम आएगा। आप सोचो उसके अंदर कोई और चीज है आप उगा लो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे ये क्या होते हैं, सच फैक्टर्स हैव नो मोबिल, ये गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। जो मैं अगर मैं पर्टिकुलरली किसी चीज की टीचर हूँ तो मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आप कह दो कि नहीं कि आप ये पढ़ा दो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा दो या साइंस पढ़ा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर की ही बात करी जाती है, विशिष्ट कारक की ही बात करी जाती है। सो नेक्स्ट आ जाता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। अब नॉन स्पेसिफिक फैक्टर क्या बताता है आपको, दीज फैक्टर आर दोज दैट हैव मोबिलिटी एंड कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस। इट इज ओनली ड्यू टू दैट द रीजन दैट स्पेसिफिक फैक्टर कैन नॉट बी पुट टू अनदर यूज। अभी इसमें क्या कह रहा है, जैसे मान लो इसका कहना, मैंने हमने वहां पे क्या समझा, स्पेसिफिक फैक्टर कि पर्टिकुलरली कैसे चलता है। अब इसमें क्या है, जैसे अगर मान लो इकोनॉमिक्स की टीचर हूं मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ये कह रहा है आप जीके भी पढ़ा सकती हो, आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा सकती हो। इसमें एक चीज का कोई विशिष्ट नहीं होता, आप एक दूसरे से गतिशील कर सकते हो, मोबिलिटी कर सकते हो। समझ में आ गया, एक लैंड है उसमें आप कॉर्न की खेती भी कर लोगे, उसमें आप आलू की खेती भी कर लोगे, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं रहा कि पर्टिकुलरली चीज के लिए आप सोचो, ठीक है, समझ गए। जैसे इसमें क्या हो गया आपका, सबका उसमें कर सकते हो। ऐसी आप लेबर ले लो इसमें, अब लेबर क्या कर रहा है इसमें, आपकी साड़ी की दुकान पे भी लेबर काम कर रहा है, और वही लेबर आपकी खेती में आके काम कर रहा है, अब वही लेबर क्या कर रहा है किसी और शॉप पे जाके काम कर रहा है, तो क्या ये मोबिल है। उसमें क्या था, मोबिल नहीं हो सकते इधर से उधर, और ये लेबर इधर उधर शॉप्स पे इधर उधर कर सकता है। इसमें स्पेसिफिक की बात नहीं करी गई है, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें स्पेसिफिक की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसी वजह से क्या होगा, इसमें पैसों का ज्यादा रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में आपको रेंट ज्यादा मिलता है, नॉन स्पेसिफिक में, गैर विशिष्ट कारक में ज्यादा रेंट आपको नहीं मिल पाएगा। सो अब ये आ जाते हैं, मैंने ये थ्री पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी कि कौन सी थ्री पॉसिबिलिटी। लाइट चली गई, मुझे तो पता ही नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई। चलिए मैं अपना कैमरा थोड़ा ऑफ कर दूं कि आई थिंक मुझे ब्लर दिख रहा होगा। अच्छी बात है आफरीन, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे पहुंच जाओगी। जिसकी बहन इतनी होशियार है तो उसकी छोटी बहन कैसे होशियार हो सकती है, कैसे नहीं होशियार होगी, है ना, जब छोटी बड़ी बहन इतनी होशियार है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये इतना समझ आ गया, जल्दी बताओ इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई सबसे, मुझे चाहिए सुनने को, सब बताओगे साथ के साथ बच्चे क्लास में, पहले बताओ तभी मैं आगे चलूं। क्योंकि अब जो तीन पॉसिबिलिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट वाली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबके सब बताओ, समझ में आ गया। हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें, आफरीन, लोमल, ललिता, तुम तीनों को दिक्कत तो नहीं हो रही है हिंदी में, वही बता दो अभी, क्योंकि हर दिन क्लास में बता दोगे तो उसका समाधान तुरंत निकल आएगा, ठीक है। और रविंद्र से क्या कह रही थी मैं, क्या बोलना था मुझे रविंद्र, अरे क्या हो रहा है ये, तीय
रविन, सॉरी आफरीन, आफरीन। हाँ आप बेटा मुझे कह रहे थे ना 13, 14, 15 के शायद कहा था ना आपने, तो मैंने निकाल के देखा था, उसमें से दो दो पीडीएफ्स में तो बिल्कुल एक तरीके से सही दिया हुआ है, मतलब मैंने सही पर्टिकुलरली लिख लिख के उसमें सब आपको बताया हुआ है। एक पीडीएफ में ऑनली डेफिनेशन नहीं थी उसमें, शायद 13 वाली थी वो, 13 वाली थी ना, आई थिंक सो 13 वाली ही थी जहां तक मुझे याद है, उसके अंदर डेफिनेशंस नहीं थी। बाकी 14 और 15 में तो डेफिनेशंस है, वो आपको पता है क्यों लगा होगा, मेरे को पता। मैं कल उसको, मतलब मैंने उसको देखा हाईलाइटली, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया, ज्यादा नहीं देख पाई थी। क्या हुआ था, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ऐसे ऊपर नीचे लिखी हुई थी, जैसे मैं अभी बिल्कुल आपको साइड में लिख के बताती हूँ ना, इंग्लिश एंड हिंदी, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, और हिंदी के एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए थे उसमें, ये हुआ था उसमें। बट 14 एंड 15 में तो डेफिनेशंस थी, 13 में नहीं थी डेफिनेशन, मैं वही देख रही थी, 13 में डेफिनेशन नहीं थी। कोई बात नहीं, आपको डेफिनेशंस की अलग हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशंस हम अलग से पढ़ लेंगे, और मैं कभी भूल भी जाऊँ तो प्लीज मुझे याद दिलाते रहना कि मैम आपने डेफिनेशंस के लिए बोला था, ठीक है? कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम डेफिनेशंस दोबारा कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज कौन सी थी, उसके लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, एक मतलब ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, ठीक है? अब देखो ये इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में समझाती हूँ। ये रहा, उत्पादन के कारकों की आपूर्ति पूरी तरीके से लोचदार है। अब इसमें बात कर रहे हो आप लोचदार की, अब इसमें डायग्राम बनाओगे आप लोचदार वाला, किसका बताओगे? अब इसमें पहले वाले में क्या बता रहा है आपको, एक सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा है ना। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स इसमें बात कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है? इसमें क्या बता रहा है पहली वाली कंडीशन में आपको, हमने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक पढ़ा था हमने, गैर गैर विशिष्टीकरण पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये वही इसी चीज में लागू हो जाएगा। तो इसका डायग्राम जैसे आप देख सकते हैं, स्लोप बना लो साथ में, इलास्टिक है ये, ठीक है? और आपका डिमांड गिरता हुआ है, आपको पता है यहाँ से आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है आपका, ठीक है? ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, और ये आप इसको पॉइंट ले लो एल ले लो, इसको ओ ले लो, और ये, ठीक है? अच्छा आप देखो इसमें क्या बता रहा है, आप देखो इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालोगे, आप इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग, जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है ना, जो आप एग्जैक्टली कमा रहे हो एक्चुअल अर्निंग, और माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, OSEN, OSEN ये ले लिया मैंने, OSEN, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर वर्क कर रहे हो, इसके अंदर रेंट ला रहे हो आप, ठीक है? तो ये क्या बता रही है, आपकी टोटल अर्निंग हो गई, क्या हो गई, आपकी टोटल अर्निंग हो गई, जो भी आपकी है, जितना आप कमा रहे हो उतना अर्निंग हो गई। और यही सेम आपकी OSEN क्या हो जाएगी, ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगी। आपको पता है ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, मैंने बता दिया, ठीक है? तो अब ये बताओ, यहाँ पे आपको डिमांड हमारा गिरता हुआ दिख रहा है, सप्लाई उतनी है, तो यहाँ पे रेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे रेंट क्या हो रहा है, नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पे रेंट क्या कम आता है, आपको बताया था मैंने स्पेसिफिक में ज्यादा आपको रेंट मिलता है। तो जब यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देना, नो रेंट, यहाँ पे नो रेंट, हमें रेंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने में ही आपका हो रहा है और डिमांड कब गिर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई तो कुछ हो ही नहीं रही है, सप्लाई तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पे। तो क्या बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे इसको, जीरो। इसको किस, क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्निंग क्या आ रही है आपकी, जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपका यहाँ पे सिर्फ जीरो अर्निंग हो रही है, बस इतना याद रखना, इसको जीरो अर्निंग बोलेंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं सेकंड डायग्राम पे, हमारी थर्ड कंडीशन थी, अब हम पढ़ लेते हैं सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम क्या बताता है आपको, ये आपका ऐसे बना लो, ठीक है? ये आपका बन गया परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है? ये आपका प्राइस बना लो यहां से, आपको पता है ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया डिमांड, ठीक है? ये आपका डिमांड हो गया, ये आपकी सप्लाई हो गई, आपको पता ही है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, ठीक है?
ये सेम इसको वही दे दो, ये आपका प्राइस है, यहाँ पे आपको पता ही है पी है, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ देखो ओ पी ई एस, अब इसको देखो ओ पी ई एस, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे ओ पी ई एस आपने देख लिया यहाँ पे, अब सेम आपका ये उतना ही आपकी ट्रांसफॉर्मिंग कितनी हो रही है ओ पी ई एस, इस पे क्या हो रहा है डिमांड कब गिरता हुआ हो रहा है, क्या हो रहा है डिमांड कब गिरता हुआ हो रहा है। अब देखो उतना ही इतने में ही आपकी एक्चुअल अर्निंग है और इतना ही आपको क्या मिलेगा रेंट मिलेगा, इसमें उतना ही आपको रेंट मिलेगा जितना आप वर्क कर रहे हो। इसमें क्या था, इसमें आपको जीरो अर्निंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी आपको जीरो अर्निंग हो रही, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्राइस इतना है क्वांटिटी इतनी है तो इतना आप अर्न कर पा रहे हो, तो ये क्या है आपकी एक्चुअल इनकम आप कमा रहे हो, आप एग्जैक्टली जो इनकम कमा रहे हो आप, इसको क्या बोलोगे स्पेसिफिक, ये डायग्राम को क्या बोलोगे स्पेसिफिक, मीन्स परफेक्टली आपका क्या है इन इलास्टिक है। इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक ही साधन है, यहाँ पे साधन क्या है एक ही है, जैसे मैंने बताया जैसे लेबर है, लेबर एक ही जमीन पे काम करेगी दूसरी जमीन पे नहीं जाएगी, ऐसे ही जैसे इकोनॉमिक्स का टीचर वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएगा, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है हमें रेंट मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे रेंट मिल रहा है अच्छा खासा, तो यहाँ पे इतने में मैं रेंट अर्न कर रही हूँ ओ पी ई एस, ठीक है, इतने में मैं अर्न कर रही हूँ भाई। इतना बताओ फटाफट समझ में आ गया, दो डायग्राम कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना समझना है कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या है, ठीक है। जल्दी बताओ फिर आगे हम क्वाजी रेंट पढ़ें, इसका पार्ट है क्वाजी रेंट, मॉडर्न थ्योरी का ही पार्ट है क्वाजी रेंट, क्वाजी रेंट क्या होता है जल्दी बताओ भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं क्वाजी रेंट को हिंदी में, आभास लगान, सॉरी आभास लगान। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वाजी रेंट, उसके लिए मैंने ये ब्लैंक स्लाइड छोड़ दी थी क्योंकि मैं नहीं बना पाई थी इसका आगे, बट कोई बात नहीं हम लिख के बना लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, बहुत छोटू सा है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा छोटू सा है, इसमें कोई ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसमें सबसे पहले समझ लो क्वाजी रेंट, ठीक है, क्वाजी रेंट, व्हाट इज क्वाजी रेंट, क्वाजी रेंट, ठीक है, आभास लगान, ठीक है। अब ये क्या है, किसने दिया था ये, सबसे पहले किसने लिखा दिया था ये, प्रोफेसर मार्शल ने, किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने, ये लिख लेना। अब इसको क्या किया था, इसने दो फैक्टर में बांट दिया था, टू फैक्टर्स में इसने इसने को बांट दिया था, टू फैक्टर्स में, ठीक है। पहला क्या बोलता है ये, टोटली फिक्स्ड है, टोटली फिक्स्ड है, एंड इसमें क्या होता है टोटल वेरिएबल है। अब पहले इसमें फिक्स्ड हो गया वेरिएबल हो गया, ये पहला आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, मुझे पता है रेंट आ रहा है फिर इससे मुझे, और टोटल वेरिएबल से क्या आ रहा है मेरे को, कॉस्ट प्राइसिंग आ रहा है कि कॉस्ट आप कितनी लगा रहे हो, कॉस्ट का फैक्टर देख लिया आपने। देन आप रेंट से क्या लगा रहे हो, शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा है, आपको पता है फिक्स में बात करी जाती है तो किस में बात करी जाती है, शॉर्ट में, ठीक है, और ये करा जा रहा है लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है आप, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, इतना लिखने को, ज्यादा कुछ नहीं है लिखने को। शॉर्ट पीरियड से फिर इसको क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा क्वाजी रेंट। अब हम समझेंगे क्वाजी रेंट क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल में जो रेंट आता है, एक्चुअल में जो रेंट आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, रेंट एक्चुअल में जो रेंट आप कर रहे हो। अब जैसे इसमें समझो, अब क्या कहना चाह रहे हो, अब इसमें ये कहना चाह रहा है टू फैक्टर्स में क्वाजी रेंट को, आभास लगान को हमने टू फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया। क्वाजी रेंट होता ही क्या है, क्वाजी रेंट में हम किसे बोलते हैं, जैसे क्वाजी रेंट आप उसे बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद और चीजों को समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वाजी रेंट होता क्या है, ठीक है। क्वाजी रेंट का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ऑफ आभास लगान, इससे समझ जाओगे कि व्हाट इज क्वाजी रेंट। अब जैसे मान लो एक घर है,
ठीक है। ओके, ये हमारा घर हो गया, ठीक है। ये सुंदर सा पेड़ बना दिया यहाँ पे कि हमारा घर अच्छा लगे, ठीक है। सो इसका रेंट कितना है? 1000 रुपीज। इसका रेंट कितना हो गया? 1000। अब क्या हुआ ना, इसका रेंट तो 1000 है, बट अब क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई इसी घर की, इसी घर की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। बट सप्लाई तो सेम रहेगा, सप्लाई सेम रहेगा, क्यों? सप्लाई रिमेन सेम, क्यों? अब एक बार बताओ, ये इतना बड़ा घर है, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या इसमें 2 कमरे हैं ऑलरेडी? अब क्या इसमें 4 कमरे हो जाएंगे या 3 कमरे हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी? नहीं, नो मैम, नो, इसका कोई रूम नहीं बढ़ जाएगा कि डिमांड बढ़ने से रूम बढ़ जाएगा, नहीं, रूम तो उतने ही रहेंगे ना जितने हैं इसके अंदर। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, रेंट भी बढ़ गया। रेंट क्या था पहले? 1000 रुपए था, अब रेंट भी बढ़ गया। डिमांड बढ़ने से रेंट कितना बढ़ गया, मान लो 300 रुपए ले लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 1000 है तो मैंने 300 रुपए रेंट बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कुछ भी ले सकते हो। तो एक बात बताओ, आपने ये ले लिया, ठीक है, आपने कितने का ले लिया, 300 रुपए रेंट, जो ये डिमांड बढ़ रही है इसका एक्स्ट्रा जो रेंट दोगे वो 300 रुपए दे रहे हो, एक्चुअल में इसका रेंट कितना है, 1000 रुपीज है। अब इसमें क्या किया आपने, अब आपने अभी क्या किया, कितने का हो गया टोटल, ये हो गया 1300 रुपए का, कितने का घर हो गया अभी, 1300 रुपए का। पहले ये 1300 रुपए का घर अब हो गया, पहले ये 1000 रुपए का था, तो इसमें से कितने रुपए बचे हमारे, 300 रुपए। तो जो ये 300 रुपए आपको मिल रहे हैं ना, 300 रुपए मिल रहे हैं आपको, ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मिले हैं, इसे ही हम क्वाजी रेंट बोलते हैं, आभास लगान बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब आपका शॉर्ट पीरियड में क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ी, तो उसका आपने रेंट बढ़ा दिया। आप इसमें लॉन्ग रन में ये चीज नहीं है, लॉन्ग रन में क्या कर सकते थे, आप अपने घर को बड़ा कर सकते थे, जमीन खरीद के कमरे बनवा सकते हो उसके अंदर, बहुत सारी चीजें कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर आप क्या कर रहे हो, इतने ही घर का आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा किराया मिल रहा है, वो आप दे रहे हो किसी को, तो आभास लगान उसका मिल रहा है, ये परमानेंट नहीं है, ये सोचो कि परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ये लॉन्ग रन में अगर आप वर्क करोगे, आगे बनाओगे, तो वो परमानेंट हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा घर भी खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म में आप, है ना, एक्स्ट्रा कमा रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा 300 रुपए कमा रहे हो, 1000 रुपए आपका एक्चुअल है, और जो ये 300 रुपए आपका कमा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, आभास लगान। दिस इज एक्चुअल द डेफिनेशन ऑफ क्वाजी रेंट, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ क्वाजी रेंट। किसे बोलते हैं क्वाजी रेंट, समझ में आ गया, जो शॉर्ट टर्म में कमाया जाता है, क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म में आप कमाते हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाजी रेंट, और जो लॉन्ग टर्म में आप कमा रहे हो उसे एक्चुअल रेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, क्यों क्यों बढ़ सकती है, उसके अंदर क्या है, आपके पास सारी चीजें वेरिएबल है, सारी चीजें क्या है उसके अंदर, वेरिएबल है, सब चीजें आप बढ़ा सकते हैं उसके अंदर, लेबर की वेजेस बढ़ा सकते हैं, कैपिटल को इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं, कैपिटल में उनको इंसेंटिव दे सकते हैं आप, है ना। जैसे मान लो कुछ फैक्टर्स आपके क्या होते हैं क्वाजी रेंट में, फिक्स्ड होते हैं। अब मैंने आपका एग्जांपल बताया था रेंट वाले में, रेंट की थ्योरी पढ़ी थी हमने रिकॉर्डिंग, उसमें क्या बताया था, रेंट क्या है, उतनी फिक्स होती है, तो उतने पे ही आप काम करोगे, उसमें फिक्स फैक्टर की बात करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर से अबव की बात करी जाती है, और शॉर्ट टर्म में लेस देन 1 ईयर की बात करी जाती है, तो ये क्या बताता है, हमारा क्वाजी रेंट बताता है। ये देख लो, यहाँ पे एक बार समझ लो, इससे एक बार इसको समझ लेते हैं, क्वाजी रेंट क्या है, आभास लगान। दो फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया, पहला था टोटली फिक्स्ड होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म की बात होती है, लॉन्ग टोटल वेरिएबल होता है इसके अंदर सारे अंदर, तो इसमें हम टोटल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। इसमें रेंट फैक्टर आता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेंट आपको उतनी ही चीजों में आपको रेंट देगा। शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड से जो आप कमा रहे हो उसे क्या बोलते हैं, आभास लगान, क्या बोलते हैं, आभास लगान, क्वाजी रेंट। ऐसी आपने इधर कॉस्ट फैक्टर देख लिया, अगर आपका टोटल वेरिएबल चीजें हैं तो आपकी क्या हो रही है, लेबर अगर वेरिएबल है तो लेबर की वेजेस बढ़ा दोगे आप, है ना, कैपिटल में इंटेंसिव बढ़ा दोगे उन सब का जो भी वर्क कर रहे हैं। फिर ये लॉन्ग पीरियड की आप बात करते हो, है ना, इसमें क्या कर सकते हो, लैंड को बढ़ा भी सकते हो, ये एक्चुअल की बात कर रही हूँ मैं, लॉन्ग पीरियड की, इसमें लैंड को आप बढ़ा भी सकते हो, है ना, और भी बड़ी लैंड ले सकते हो, मकान ले सकते हो, तो इसमें किसमें कर सकते हो आप, ये सब आप बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इसमें बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ, क्वाजी रेंट मॉडर्न थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इंटरनेट कनेक्शन अब ठीक है,
सही है। आप देखो सुनो, मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, क्वाजीरेंट और मॉडर्न थ्योरी और रेंट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वाजी रेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द आपके यूजीसी नेट सिलेबस, ठीक है, क्वाजी रेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। ठीक है, और मैं क्या बता रही थी, यस, अब आपको समझ में आ गया, मॉडर्न थ्योरी, क्वाजी रेंट और आपका क्लासिकल थ्योरी, जो रिकार्डियन थ्योरी हमने पढ़ाई है, तीनों थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से हमने इसमें क्या पढ़ा है, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर वरना मैं क्लास को ऑफ करती हूँ, 10 बजे क्लास कैरी ऑन करेंगे फिर हम। जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है, ठीक है, यही है जो बताया ना मैंने, ये 2 फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, इतना ही है इसका। आगे थ्योरीज तो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो आपके सिलेबस के अभी कोई आपको रिलायबल नहीं है वो सब चीजें, ठीक है, जितना आपको चाहिए था उतना आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया, ठीक है, इन डेप्थ में तो बहुत बड़ा है क्वाजीडेंट। चले आगे, समझ में सबको, लोमन वे आर यू, लोमन वे आर यू, समझ में आ रहा है, चलिए फिर ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर हम लोग 10 बजे तो नहीं और 10:15 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं, सबके सब आना है क्लास में, ठीक है।